नमस्कार दोस्तों, मैं बाइक मैकेनिक सत्यदेव निषाद अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये बजाज पल्सर 125 है। इसका प्रॉब्लम है इसमें बाइक में, एक ये इसका टंकी और सीट पूरा खोला गया है और यहाँ साइड में रखा गया है। तो बजाज पल्सर 125 है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसका ये वाली लाइट है, माल फंक्शन बोला जाता है या चेक इंजन लाइट, वो जल नहीं रहा है इग्निशन ऑन करने पे। तो यहाँ पे इग्निशन ऑफ करें तो भी कोई, ऑन करने पे यहाँ ये जलना चाहिए और इंजन से एक साउंड आना चाहिए सेंसर का, टिक 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 साउंड करता है वो। तो वो प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से वो साउंड भी नहीं कर रहा है और यहाँ पर ये ईसीयू है। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो ये हमारा ईसीयू है वो ख़राब हो गया है। तो जैसे ही इग्निशन को ऑफ है इस समय, ऑन करने पे यहाँ ये चेक इंजन लाइट या मॉल फंक्शन लाइट बोला जाता है, इसे ऑन होना चाहिए। तो ये ऑन नहीं हो रहा है और ये वाला जो ईसीयू है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए ऑन नहीं हो रहा है। तो इसमें नया ईसीयू इंस्टॉल करेंगे, इसको नया डालेंगे अपडेट करके। ये लगभग आपको 3500 के आसपास पड़ेगा, 3500। तो इतना जल्दी ख़राब हो जाना तो ठीक नहीं लगता, कस्टमर के ऊपर भारी खर्चा पड़ जाता है। और इसकी कंडीशन देख सकते हैं, अभी नई बाइक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बाइक नहीं है, बाइक नहीं है। और किलोमीटर आपको दिखा दें तो अभी 13000 किलोमीटर चला है, 13952। अभी कोई ख़ास चला नहीं है, 13952 चला है। और इसमें प्रॉब्लम ये आ गया है कि जो हमारा ईसीयू है वो ख़त्म हो गया, ये ख़राब हो गया है। तो इसी पार्ट नंबर का इसमें ईसीयू डाला जाएगा, अपडेट किया जाएगा, उसके बाद इंजन को स्टार्ट किया जाएगा बाइक को। तो यहाँ पर पूरा चेकिंग किया गया, इसका वायरिंग को भी चेक किया गया है, सिस्टम में लगा कर यह एडाप्टर दिया है। यहाँ पे जो एडाप्टर होता है, टूल्स जो इसमें चेक करने के लिए, वो इंस्टॉल करके चेक किया गया है। लिंक एरर बता रहा है, मतलब कि ये अपडेट नहीं है, बस ये ख़राब हो गया, इसकी वजह से लिंक एरर बता रहा है। इसमें इंस्टॉल करके पूरा चेक कर लिया गया है, वायरिंग भी चेक कर लिया गया है। इसमें प्रॉब्लम यही निकला है, ये ख़राब है। तो ये नया डलेगा तो आपको स्टार्ट करके दिखा देंगे बाइक को। तो नॉर्मली यही प्रॉब्लम है, जब तक हमारा ये लाइट नहीं आएगी तब तक हमारा ये सेल्फ मार्कर ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो जब तक ये हमारी लाइट नहीं चलेगी तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि वही ऐसे करंट होता है, वो देता है और हमारा इश्यू है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट होती है, सारा सिस्टम उसी में है। तो 13000 किलोमीटर में ही ख़राब हो जाना तो ठीक नहीं लगता, फिर भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक चीज है, उसकी गारंटी तो होती नहीं है। तो चलिए, जब इसमें नया इश्यू अपडेट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके लिए एक वीडियो बना देंगे और दिखा देंगे। बस यही था आज के लिए वीडियो।